नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एजमा सेंटर कोलकाता की ओर से। आज हम लोग छाही के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत समय बहुत डीप ब्राउनिश दाग आ जाते हैं चेहरे पर। आप लोग जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट किए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और नए दर्शकगण जो हैं उनको मैं अनुरोध करता हूँ सब्सक्राइब और ऑल बटन दबा के वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले वीडियो आपको ही मिलेगा। बहुत सारे लोगों को छाही का दाग हो जाता है। अभी कारण अपन खोजेंगे तो कारण इसका कुछ खास अब तक डिफाइंड नहीं है। बहुत सारे लोगों को हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस छाही के लिए बहुत तरह का इलाज करते हैं, कोशिश करते हैं इलाज करने के लिए। और वो इलाज करने के दौरान में बहुत सारे ओवर द काउंटर मलहम ट्यूब वगैरह खरीदते हैं और वो लगाते हैं, यूज़ करते हैं दाग कम करने के लिए। अब ये दाग कम करने के चक्कर में मैक्सिमम बहुत समय देखा जाता है ये जो ट्यूब्स मिलते हैं, ये ट्यूब्स में ज़्यादातर स्टेरॉइड का मात्रा रहता है और स्टेरॉइड लेने से काफ़ी हानि होता है चेहरे के ऊपर। चेहरा का जो चमड़ा बहुत पतला हो जाता है, घाव घाव जैसा हो जाता है। अभी थोड़ा सा छाही कम करने के लिए अगर नुकसान बड़ा हो जाए तो इससे बचना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लोग ये ख्याल करेंगे कि जो भी लोग ओवर द काउंटर या कहीं से दवाई ले रहे हैं तो इसका ख्याल करिए कि उसमें स्टेरॉइड का कोई मिश्रण नहीं हो। अभी इस छाही से निजात कैसे पाया जाए? कुछ कुछ क्रीम्स होता है वो लगाने से छाही कम जाता है, लेकिन दाग तो दाग है, जिद्दी दाग है, ये वापस दोबारा आ जाता है। इसको हटाने के लिए हम लोग कुछ प्रोसीड्योर करते हैं, केमिकल पीलिंग करते हैं। केमिकल पीलिंग कुछ फेशियल टाइप का ही प्रोसीड्योर है, लेकिन हम लोग मेडिकेटेड लोशन चेहरे पे लगाते हैं जो स्किन को ऊपर से एक्सफोलिएट करता है, स्किन को बर्न टाइप का करता है और ऊपर वाला सतह चमड़ा का हटा देता है। उसके साथ साथ दाग भी निकल जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तो इससे आराम हो जाता है। 2-4-5 बार हर 15 दिन या 1 महीने में एक पीलिंग कराने से ये छाही कम जाता है। साथ में मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, सनस्क्रीन का, सन प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। और ये केमिकल पीलिंग कोई ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 2,500 रुपये जैसा इसका चार्जेस होता है। और ये केमिकल पीलिंग करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का छाही हट जाता है, लेकिन जिद्दी दाग तो जिद्दी है। कई लोगों का नहीं हटता है, थोड़ा सा कम हो के एक जगह पर आके रुक जाता है, स्टैग्नेंट हो जाता है। वैसे कंडीशन में अभी हम लोग कुछ करते हैं कि थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हैं। चमड़े के नीचे एकदम ऊपरी सतह में सूता डाल देते हैं, अंदर अंदर चमड़े में सूता डालने से दो बेनिफिट है। एक तो एजिंग का भी काम करता है, वो थ्रेड अगर लग गया तो चमड़ा टान टान हो गया, जो आस्ते आस्ते धीरे से उम्र बढ़ने पर धीरे धीरे चेहरा झूमने लगता है, वो भी टान टान हो जाता है। और दूसरा ये है कि अगर इस तरह का मेश हम लोग बना दें, एक जाली नुमा स्ट्रक्चर अंदर थ्रेड का गाल के अंदर डाल दें या जहाँ कपाल के ऊपर जहाँ ये छाही हुआ है, तो ऐसा थ्रेड्स अंदर थ्रेड का एक नेटवर्क अगर डाल दें तो क्या हुआ, इंजुरी हुआ, अंदर इंजुरी होने की वजह से और थ्रेड रहने की वजह से सुपरफिशियल स्किन में मेलानिन ठीक से आना शुरू होता है और अंदर रिपेयर और रिजुविनेशन भी शुरू हो जाता है। ये थ्रेड का भी कॉस्टिंग समझिए, चार अगर इधर डाले, चार ऐसे डाले तो एक नेट बना, 4 4 8 और 8 16, एक थ्रेड का कीमत करीब करीब 1,000 रुपये जैसा आता है। मान लो 16 थ्रेड का ज़रूरत पड़ा तो 16,000 रुपये जैसा खर्च करने से भी। और ये थ्रेड का लॉन्गजिविटी होता है, एक बार थ्रेड डालने से करीब करीब 8 महीने से लेके 12 महीने तक ये रहता है शरीर में और अच्छा रिजल्ट देता है। आप लोगों किन्हीं को भी अगर इस तरह का परिसेवा लेने का ज़रूरत पड़े, नीचे दिए गए अपॉइंटमेंट नंबर में कॉल करके आप आके ये परिसेवा ले सकते हैं। मैं कोलकाता में शियालदह स्टेशन के पास मौलाली मज़ार और इंटरली सिनेमा हॉल के बीच में मैं एलर्जी एजमा सेंटर में बैठता हूँ। आप अपॉइंटमेंट लेके आके ये परिसेवा ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एजमा सेंटर की ओर से। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करेंगे और शेयर करेंगे तो बहुत लोगों को नई जानकारी है तो उनको जानकारी मिलेगी। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें।